यूपी में दुर्गति पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती, हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी जरूर आना है। मायावती बोली, झक मारकर सफलता हमारे कदम चूमेगी। सफलता फिर एक दिन झक मारकर हमारे कदम जरूर चूमेगी। बहन जी ने नहीं ली बसपा की हार की जिम्मेदारी। मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया। यूपी चुनाव में करारी शिकस्त पाने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी चुनाव परिणाम पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार पर अपना पक्ष रखा। मायावती ने कहा कि दुख की बात है कि नतीजे हमारे मन मुताबिक नहीं आए। मायावती ने बीएसपी की इतनी बुरी हार की वजह मुसलमानों के वोट नहीं मिलने को बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कई बार की आजमाई हुई बसपा की जगह सपा पर भरोसा जताया और पूरा वोट सपा की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिसका नुकसान बसपा को हुआ। उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों पर भरोसा किया था लेकिन वोट नहीं मिले, ये हमारे लिए कड़वा अनुभव और सीख लेने वाला है। इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट सपा, पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है। ये काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है। मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव में बीजेपी की ओर से मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बीएसपी के बारे में जबरदस्त दुष्प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए झूठा प्रचार किया गया कि बसपा असल में भाजपा की बी टीम है और बसपा मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही, इससे मतदाताओं के बीच में गलत संदेश गया। यहाँ मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए।
मायावती ने बसपा के वोट शेयर में करीब 10% की गिरावट पर कहा कि मेरे अपने समाज के अलावा बाकी जातियों के वोट नहीं मिले। उन्होंने कहा कि मूवमेंट के लिए अच्छी बात ये रही कि मेरे अपने समाज के लोग हमेशा की तरह साथ बने रहे, लेकिन बाकी वोट नहीं मिले। लेकिन ऐसे हालातों में भी बीएसपी मूवमेंट के हित में संतोष की बात ये रही है कि दलितों में से खासकर मेरे खुद के अपने समाज का वोट हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मूवमेंट व पार्टी की लीडरशिप के साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। जिन पर मैं कितना भी गर्व महसूस करूं, वह कम ही होगा तथा उनका जितना भी मैं आभार प्रकट करूं, वह कम ही होगा। और अब मेरी उन सभी से ये भी अपील है कि उन्हें अपना मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं तथा वे अपना संघर्ष लगातार जारी रखते हैं। सफलता फिर एक दिन झक मार कर हमारे कदम जरूर चूमेगी। हमें बाबा साहब के कारवा को न रुकने देना है न झुकने देना है। मायावती ने अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाने के मकसद से कहा कि ऐसे बुरे हालात से तो बीजेपी भी गुजर चुकी है और कांग्रेस भी ऐसे हालात से गुजर रही है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं। जब आजादी के बाद से काफी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी। और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक। मायावती ने बसपा की दुर्गति की जिम्मेदारी ना ही खुद ली और ना ही पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। इसके उलट उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से संघर्ष करते रहने की अपील करते हुए बाबा साहब के नाम का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के अनुयायी कभी हार नहीं मानते, वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आपको भी पत्थर काट कर रास्ता बनाना है, सफलता झक मार कर आपके कदम जरूर चूमेगी। यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। और इसके लिए बाबा साहब के राजनीतिक जीवन संघर्ष व उनकी सोच को भी ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के जनाधार को फिर से कैडर के जरिए आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में इस बार बसपा सिर्फ एक सीट ही जीत पाई है। बलिया की रसड़ा सीट से उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक हैं। बसपा के वोट शेयर में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, यानी बसपा अपना वोट बैंक भी नहीं बचा पाई। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।